इसे पकड़ना था, इसीलिए सीटी बजा रही थी। तो ये है क्या? हमला है, आपकी अनारकली का हथियार। नताशा का? तुमने इसे चुराया? नहीं, चुराया नहीं, वो मैं सीटी बजा रही थी तो मेरे पास आ गया। आया हो, बुलाया हो या चोरी किया हो, द पॉइंट इज ये हमारे काम का नहीं। जब अल्लाह ने दी ना हो तो दूसरों के इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। क्या अक्ल? ये हमलार हमेशा अपने मालिक के पास रहता है और उस पर नजर रखता है। तो इसका मतलब ये कि इसका मालिक जो कुछ भी करता है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो क्या पता कि आपकी अनारकली और काले जिनके बीच में जो कुछ भी बातें हुई हो वो इसमें रिकॉर्ड हो गई हो, और इसके जरिए हम उन चिरागों या फिर काले जिनके नाम तक पहुंच सके या उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो तुम्हें इस्तेमाल करना आता है? नहीं आता ना? हाँ, अभी देखिए, अभी होगा कुछ तो। खबरदार, जो आज के बाद मेरे कपड़े इसलिए तो सारा तमीज से बात कर, समझी? छोटी, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेगी। अच्छा, रोब झाड़ रहे ना, तुझे अपने ससुराल जा और अपने शोहर के ऊपर झाड़ रहे। चला क्यों रही है, तमीज नहीं है क्या? तुझे शर्म नहीं है मेरे को अलग यूज करते हुए? या अल्लाह, कैसे पागलों के बीच फंस गई हो, मुझे यहाँ से निकलना है। निकलना है तो निकलो ना, रोका किसने? अरे निकलो यहाँ से, खबरदार जो मेरे पास है तो निकलो, निकलो पागल। या अल्लाह, ये घर, ये पागल घर ना। ये पता था? तेरे ऊपर भरोसा करना बेवकूफी है। ला, चोरी करने से हटी नहीं ना तो समा जान सा। बुढ़िया, तेरी हिम्मत से रखने की। मेरी ज्वेलरी दे मुझे, निकल मेरे घर से, निकल। जिनने सबको अपना शिकार बना लिया, तो हम क्या करें? क्या करें? मैंने तुम्हें जिन बना दिया है और वादे के मुताबिक तुम्हें मेरा काम करना होगा। कैसा काम? तुमने आज तक बहुत सारे जिन पकड़े होंगे, उनमें से तीन सबसे खतरनाक जिन्नात को जुनैद मंजिल भेजना है, अमन और उसकी आयाना के पास। तुम इस हमलार को पहले क्यों नहीं लेके? अर्ज किया है, आपकी मुझे देखकर मैं डर जाती हूँ, आपकी मुझे देखकर मैं डर जाती हूँ, देर से आती हूँ पर हमेशा दुरुस्त आती हूँ। उन लोगों को मेरा नाम कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस जहां में कोई मेरा नाम नहीं जानता। बस एक ही जगह है जहां से मेरा नाम पता लगाया जा सकता है, और वो है आग का पहाड़। मैंने अभी अभी साई चिन को देखा। कहाँ? वहाँ पे था अभी, पर एकदम से गायब हो गया, पता नहीं गायब हो गया। जरूर वो किसी और को शिकार बनाने गया है। अब क्या होगा? अलानू, स्पेस सरमान अपने कमरे में अकेले। क्या? रोशनी, तुम जल्दी सरमान के पास जाओ, मैं यहाँ सबको संभालती हूँ, ठीक है? जी। कैसे बनाऊ? शुक्र है खान बाबा, आप अरमान के साथ हैं। मुझे लगा कई सारे जिन ने अरमान को भी अपना शिकार ना बना लिया। बाबा, नीचे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।
आप एक काम कीजिए, आप ताबीजी से बात कीजिए, मैं अरमान के पास रुकती हूँ, अब जाइए। खान बाबा, छोड़ दीजिए प्लीज। खान बाबा, आप मेरी बात सुनिए, अरमान को छोड़ दीजिए प्लीज। खान बाबा, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं, आप भोज में आएंगे तो बहुत पछताएंगे। मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं, पर जो भी कर रहा हूं वो करने में मजा बहुत आ रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम सबको रस्सी से बांध कर बेसमेंट में फेंक दो। इसको मुझे काले जिन को देख के आने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले यही करता हूं। सॉरी, आग के पहाड़ का सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। कि अमीषा, I told you, secret, secret ही रहेगा। उस आग के पहाड़ को कहाँ ढूंढेंगे? रास्ते में आने की कोशिश मत करो। मैं आऊंगी खान बाबा, क्योंकि आप जिस रास्ते में जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये आप नहीं है खान बाबा, आपको आपको ताइजन ने अपने बस में कर लिया। पर आप फिक्र मत कीजिए,
मैं और ताबीज आपको ठीक करने का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। प्लीज खान बाबा, आप उस सर्जन को जीतने मत दीजिए। हाँ, पर मैं मिलके उसे हराएंगे। चुप चुप। नहीं हो तुमने बदल दिया है मुझे। मैं ऐसा नहीं था। जंगल के शेर को सर्कस का शेर बना दिया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं वो बन गया हूं जो मैं असल में हूं। नहीं कहा नवाब, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं। तुम्हारी तरह फरिश्ते का दिल नहीं है खान बाबा। मेरी चिड़िया, मेरे कबूतर, मेरी फीलिंग्स, ना रोंदू सा चेहरा लेकर आ जाती हो मेरे सामने। मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। तंग आ गया हूं मैं तुमसे और तुम्हारी अच्छाई से। तंग आ गया हूं अच्छा बन बन के। प्लीज खान बाबा, अरमान को मुझे दे दीजिए। आगे मत बढ़ना। बेबी के साथ कैच कैच खेले बहुत मजा आएगा। नहीं 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 खान बाबा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। खेलते नहीं नहीं खान बाबा, प्लीज प्लीज देखिए। क्या हुआ, डर गई? मुझे मंजूर है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।